subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ सुमेरा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. एंड विंटर सीजन शुरू हो चुका है और विंटर सीजन शुरू होते ही मेरे एक्सट्रीम पंच कैट को सर्दी की प्रॉब्लम हो गई है. तो मैं आज का वीडियो आप लोगों को यही बताने वाली हूँ आज के वीडियो में कि आप लोगों को कैसे अपने कैट को वार्म रखना है एंड अगर कोल्ड हो गया है तो हमें उसे किस तरीके से नेचुरली हील होने देना है. एंटीबायोटिक्स को थोड़ा दूर रख के, मेडिसिन को थोड़ा दूर रख के हम जल्दी अपने कैट को हील कर सकते हैं. तो आज मैं पूरे वीडियो में आपको यही बताऊँगी. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. कीप फॉलोइंग एंड कीप लविंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये मेरा एक्सट्रीम पंच का कैट है एंड कल से जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है तो कैट को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है. एक्सट्रीम पंच फेस कैट में ये प्रॉब्लम होता है कि फेस आइस के बीच में नोज़ होने के वजह से अगर कुछ भी आइस से ड्रेन हो रहा है तो वो इजीली नोज़ के जाके अटक जाता है, जिस वजह से उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है. तो हमें वाइप करते रहना पड़ता है, जो कि मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल मैं इसका कंटिन्यू 15 to 15 days में तो ग्रूमिंग करती ही हूँ, जो कि आप लोगों को वीडियो में भी पता है. बट अभी मैंने एक दिन से नोटिस किया ये ज़्यादा स्नीज कर रहा था तो मैंने ऑफ़र किया अभी इसको, क्योंकि मुझे नेचुरली हील होने देना है. मुझे अपने कैट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है मेडिसिन देना और मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मेडिसिन पे उनको रखना. मल्टीविटामिन मैं ज़रूर देती हूँ लेकिन मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ. तो अभी हम इसे कैसे हील करेंगे मैं आपको ये वीडियो में वही बताऊँगी. तो अभी मैं इसको ट्रीट ऑफर कर रही हूँ ताकि इसकी एक्टिविटी लेवल है वो डाउन ना हो, ये सोया ना रहे. और ये कुछ 12 बजे का टाइम है दोपहर का, तो मैं चाहती थी कि इसको नेचुरल सनलाइट मिले जिस वजह से इसका नोज़ जो है उसमें खुद ब खुद वार्म फील हो इसको. तो अभी मैं इसको ट्रीट ऑफर कर रही हूँ ताकि इसकी एक्टिविटी लेवल बढ़े रहे. आपको वीडियो में भी दिख रहा है वो बहुत हाइपर हो जाता है खाने के लिए, क्योंकि उसको पसंद है ट्रीट्स. तो हमें अगर सनलाइट दिखाना है कैट को, कैट कभी भी एक जगह खड़ा नहीं होता है, ये एकदम ही हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है. तो हमें उसको ट्रीट ऑफर करके दिखाना है सनलाइट ताकि वो जल्दी हील हो जाए. जितना अच्छा सनलाइट उसको मिलेगा अपने आप कोल्ड पूरा की पूरा ठीक हो जाएगा. एंड मैं कोशिश ये भी करती हूँ, सनलाइट तो ठीक है एक नेचुरली ये हील होने के ज़रिया है, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं हाई प्रोटीन का कोई भी एक ग्रेवी का पाउच जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो पूरा अपने कैट को फीड करवा देती हूँ ताकि उसका जो हीलिंग टाइम है विदाउट मेडिसिन वो जल्दी हो जाए. क्योंकि अगर बॉडी वार्म रहेगी अंदर से तो बिल्कुल स्नीजिंग ख़त्म ही हो जाती है, नहीं के बराबर. नहीं तो फिर अपने को कोई ना कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी ही पड़ती है कैट को. और अभी ठंड में आपको ये देखने बहुत मिलेगा कि कैट बहुत ज़्यादा स्नीज कर रहा है. तो अभी आपको 4 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है अगर आपका इंडोर कैट है. आउटडोर है तो वो तो खैर खुद ब खुद अपने आप को हाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं, बट अगर इंडोर है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने घर पे कारपेट बिछा के रखें ताकि उनके वार्म उनके जो पॉज है वो वार्म रहे. और सेकेंडली रूम जो भी है थोड़ा सा वार्म रहे. एंड थर्ड चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि स्किन ड्राई होने के वजह से कैट्स बहुत ज़्यादा खुद को लिक करना चालू कर देते हैं. तो प्रॉपर 15 to 15 days में आप ग्रूम करिए अपने कैट्स को ताकि वो स्किन ड्राई ज़्यादा ना हो और वो लिक ना करे अपने आप को, जिस वजह से भी कुछ भी ऐसा रहता है जो भी बैक्टीरिया है डस्ट है जो भी है वो अगर मतलब खुद को ग्रूम करने के टाइम पे अगर इनहेल कर लेते हैं तो हमारे कैट्स को प्रॉब्लम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, जिस वजह से भी स्नीजिंग शुरू होती है. तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों से अपने पेट को एकदम सेफ रखें, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज़ कि कैट बहुत ज़्यादा सोते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको ट्रीट से थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रखें, उनका एक्टिविटी करवाते रहे. डायरेक्ट सनलाइट दिखाना हमें बहुत ज़रूरी है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगा और सोया रहेगा, जिस वजह से इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है. और हमें मल्टीविटामिन भी ड्रॉप नहीं करने हैं कैट्स के. बट अगर हमारे कैट को कोल्ड हो गया है तो हमें सिर्फ सनलाइट और एक अच्छा ग्रेवी का पाउच जो कि जिसमें प्रोटीन हो वो हमारे कैट को जल्दी एक ही दिन में हील होने दे देगा. अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. कैट जब स्नीज करता है तो बार बार जो डिस्चार्ज होता है वो कान में भी चला जाता है, यूजुअली आइज़ में भी. तो ये सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दावत देने के लिए होता है.
क्या जब स्नीज करता है तो आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो डिस्चार्ज निकलता है वो यूजुअली कानों में भी चला जाता है, आइज में भी, जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों से बचना है, तो हमें हमारे कैट को जल्द से जल्द हील करना है। एक दो स्नीजिंग में ही समझ में आ जाता है कि कैट को कुछ ना कुछ इंटरनली प्रॉब्लम होने वाली है, इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ हुआ है। तो हमें सबसे पहला प्रिकॉशन यही लेना है कि हम अच्छे से अपने कैट को सनलाइट दिखा है ताकि वो नेचुरली हील हो जाए, और फिर उसको ट्रीट या कुछ अच्छा हैवी प्रोटीन ऑफर करें। आप बॉयल चिकन का सूप भी दे सकते हैं, आप बॉयल चिकन भी दे सकते हैं, मटन सूप भी दे सकते हैं, और मटन भी दे सकते हैं। यही है, जो भी है आपको रॉ नहीं देना है, वरना फिर और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जितना है आप कोशिश कीजिए बॉईल करके अपने कैट को दे। फिश बहुत ही अच्छा काम करती है, और ख़ास करके विंटर्स के लिए कैट का कोट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मेक श्योर कि आप उसके डाइट में फ़िश ज़रूर रखिए ताकि उसको ये सारे प्रॉब्लम से वो बच जाए। तो ये हमारा आज का वीडियो था। और अगर आपके कैट को हो भी जाता है कोल्ड, और अगर आप लोगों को मेडिसिन जैसे नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आप आपके वेट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि हमें क्या इमीडिएट एक्शन पे मेडिसिन देनी है। अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में सनलाइट नहीं होता है, जो फ्लैट सिस्टम होते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है सनलाइट की, और अगर आपको फिर भी आपको मेडिसिन आपके कैट को देनी है, कोई भी एंटी एलर्जिक, आप आपके वेट से पूछ लीजिए एक बार कि हमें हमारे कैट को कौन सा मेडिसिन लगेगा और क्या डोज लगेगा। आपका वेट आपको ज़रूर बता देगा कि आपके कैट को कौन सी मेडिसिन लगेगी कोल्ड को हील करने के लिए। और फिर उसके बाद आपको प्लीज़ ये प्रिकॉशन लेना है कि अपने कैट को आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में ना डालें जिस वजह से उसको सर्दी हो, क्योंकि विंटर बहुत ही अच्छा भी होता है कैट्स के लिए, और इनका कोट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है विंटर्स में। एंड आपको बिल्कुल ध्यान देना है अपने कैट के कोट के ऊपर, एंड मेक श्योर कि आप सनलाइट बिल्कुल दिखाएं, नेचुरली हील करें अपने कैट को, ना कि मेडिसिन के थ्रू हील करें। एंड काफ़ी टाइम हो गया है मैंने उसको, अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है मुझे, मैं इसको और थोड़ा सनलाइट दिखाऊंगी, और मैं कल आपको ज़रूर इसका वीडियो बना के बताऊंगी कि मेरा कैट कैसे नेचुरली हील हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, कीप लविंग, कीप फॉलोइंग। और ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए आपको नेचुरली जो मेडिसिन ना देके हुए कैट को हील करने का, तो प्लीज़ मेरे Instagram चैनल को जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू।